दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ आप देख सकते हैं, आपके पाम के कंपेरिजन में ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये एक प्रकार के गुड एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी यहाँ पर बताता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे अपने कायम कर पाएंगे, यानी अपना जो काम है उसका निकलवा लेने में आप माहिर रहने वाले हैं। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है बाकी तीनों फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट नेचर को सबसे ज़्यादा व्यक्त करता है कि आप सुन तो सबकी लेंगे लेकिन अंततः करना मन की है। इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करने के साथ साथ एक प्रकार से दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। खुद के लिए जो भी आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा या जो भी सही लगेगा वो काम आप सबसे पहले करेंगे। इसी रीज़न से किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो जिस चीज़ में भी आपका एक प्रकार से हॉबी हो, पैशन हो, एक प्रकार से मन लगता हो, तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ सर्वाधिक देखने को मिलेगा। बाकी देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा रहता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। इसी के साथ साथ मार्केटिंग स्किल भी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। ये सन की फिंगर है जो बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को बताता है, जिसके कारण जुनून हौसला भी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव बहुत ज़्यादा कम है, यानी इसकी लेंथ कम है, गुरु माउंट डेवलप नहीं है, तो ये फैमिली को लेकर के एक प्रकार के अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी को भी बताता है। फैमिली को लेकर के थोड़ा टेंस्ड आप रह सकते हैं, उतना ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है फैमिली लाइफ से। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी यहाँ व्यक्त करता है, यानी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स एवं इश्यूज आपके इन एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है वो आगे चल के हम फाइंड करेंगे। बाकी यहाँ देखा जाए तो फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर ठीक रहेगा, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। थंब का साइज़ यहाँ देखें तो थंब का साइज़ कुल मिलाकर के यहाँ शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और वहीं यहाँ पर एक प्रकार से मांसल भी कम है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने जो डिसीजन है उसके अंदर भी चेंजेस को अडॉप्ट कर पा लेने वाले आप रहेंगे। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे अगर आप मेडिटेशन करें, योगा पाठ करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिससे इंटेलिजेंसी और एक प्रकार से लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। पाम का साइज प्योर स्क्वेयरिश है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर को बताता है। और जैसे यहाँ बारीकी से हम बात करें तो यहाँ आपका जो थंब है वो थोड़ा ओवर मतलब ऊपर की ओर जो है ज़्यादा शिफ्टेड है, जिसके कारण शुक्र को एरिया ज़्यादा मिल रहा है, तो लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी हुई, ड्रीम डिज़ायर ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। थिंकिंग जोन ज़्यादा एक्टिव नहीं है और एक्शन जोन भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इट मीन्स आपको करना तो बहुत कुछ है लाइफ में लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, लेकिन एरिया बहुत कम लेने के कारण ये एक प्रकार से फैमिली से दूरी बनाए रखने के योगों को भी बताता है, यानी फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं, नहीं तो अनसेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँच रही है, ये आपको एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षीपन देगी, जिसके कारण लाइफ के प्रति ड्रीम डिजायर जो आपके शुक्र से भी देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, जिसके कारण लाइफ में कभी भी आप छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करेंगे। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको अट्रैक्ट करेगा, जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा यहाँ रहने वाला रहेगा। और यहाँ बात करें सेपरेटली आपके एक प्रकार से मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पर आपका जो शुक्र है वो भी डेवलप्ड अच्छा है और गुरु भी एक प्रकार से पॉजिटिव साइंस के साथ अवेलेबल है, जैसे एक ट्रायंगल का साथ यहाँ देखने को मिलेगा। तो आफ्टर मैरिज आपके प्रॉपर्टी बनने के योग भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए यहाँ नॉलेज में कहें या मैरिड लाइफ में कोई ऐसी बेसिक कमी या प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, मेहनत में कमी नहीं आती है। और जहाँ तक बात करें फेट लाइन की, तो आपकी फेट लाइन यहाँ मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए चल रही है और वो भी डबल लक लाइन है। तो लक वाइज देखा जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो धन संपत्ति व एक प्रकार से सुख सुविधाओं में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और ये लक लाइन मून से स्टार्ट हो रहा है, तो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला कि आपको बर्थ प्लेस पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है, बर्थ प्लेस से दूर ही उन्नति देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ होने वाला है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, तो जितना हो सके लोगों से बना करके रखें, क्योंकि वो आपके भाग्य में
और ज़्यादा आपको बढ़ोतरी यहाँ देने वाले रहेंगे। और ऊपर से सेल्फ मेटलक लाइन भी यहाँ पर जुड़ी है, तो अपनी मेहनत भी, आपकी खुद की मेहनत भी अच्छा रंग लाएगी। अब ये दोनों यहाँ पर जो चल रहे हैं, ये स्ट्रांग होने यहाँ पर 26 अराउंड एज से और अच्छा स्टार्ट हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 26 एज के अप्रोक्स से अर्निंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। फिर ये माइंड लाइन पे आकर रुके और सेपरेटली तीन लाइन स्टार्ट हुई है, 34, 36 एंड 38। इन टाइम पीरियड में डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के चांसेस पूरे हैं, बट कोई भी सेपरेट लाइन सेटन तक यहाँ नहीं पहुँचा है। एक माइंड लाइन के ऊपर से निकल के एक रेखा पहुंची है जो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है, तो मनी को लेकर के ज़्यादा क्राइसिस या प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं रहने वाला है। बट यही है कि जैसे फेट लाइन यहाँ चेंजेस होता है, तो करियर और प्रोफेशन में चेंजेस देने वाला रहता है। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइजर, गाइडर को इंडिकेट करती है। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ पर एक प्रकार से क्रॉस का साइन पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद दूरी देता है, और किसी भी काम में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होती है, तो परमानेंट कंटिन्यूस कोई वर्क देखने को नहीं मिलता है। और अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलने के योग भी होते हैं, चीटिंग होती है या एक प्रकार से अनबन देखने को मिलता है। एक यहाँ पर पॉजिटिव साइड यही है कि फिश सिंबल की आकृति बनी है आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में, जो कि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, तो धन संपत्ति अगेन इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। और फिश सिंबल बना है, इट मीन्स बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी भी आपकी बनने वाली रहेगी, और इंडिपेंडेंटली वर्क करना और जैसे गवर्नमेंट जॉब की भी अगर आप तैयारी करें, लाभ अच्छा मिल सकता है। राजनीति से भी कनेक्शन होने के चांसेस यहाँ इस कारण से आपके ब्राइट हैं। बाकी सेपरेटली बात करें मर्करी माउंट की, तो यहाँ डेवलपमेंट जो माउंट का है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, और कुछ सीधी खड़ी रेखाएं जो बोल चाल की अच्छी कला को भी व्यक्त करते हैं, यानी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व देखने को भी मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी और रोमांटिक नेचर को भी बताता है, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे आप थोड़ी देर अफेक्टेड होंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी आप एक प्रकार से ढूंढ लेने वाले भी रहेंगे। सूर्य पर एक बात ये है कि यहाँ पर वी सिंबल बन करके जो रेखा चल रही है, ये किसी भी काम की शुरुआत में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ले ये यहाँ देगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पूछ परख भी करेंगे, लेकिन आगे चल कर की ये लाइन जो स्ट्रांग हो रही है और एक प्रकार से कुछ आड़ी रेखा भी है, तो ये कार्यों के बीच में बाधा भी लाती है। इसीलिए सूर्य के रेमेडीज करना ज़्यादा जरूरी है, ताकि कन्फ्यूजन हटे, सूर्य का जो ये दोष है वो हटे, और जो प्रोमिनेंट और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से यहाँ देखने को मिल सके। हृदय रेखा यहाँ पर देखेंगे तो डबल लाइन के साथ आपकी चल रही है, जो बेसिकली मूड स्विंग के प्रॉब्लम को सबसे पहले इंडिकेट यहाँ करता है, और यहाँ पर कुछ शाखाएं नीचे की ओर भी आई हैं, तो अराउंड 28 से 30 के मिड में भी दिल टूटने के योग रहेंगे आपके। और उसके बाद फिर आगे की ओर चल के वी सिंबल बना है, जो कि अच्छा माना जाता है। विष्णु सिंबल वाले अधिकतर जातकों में स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, और कोई भी काम के शुरुआत में अड़चन बाधा आता ही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ ही अच्छा मिलता है। अब ये रेखा सीधे सैटर्न पर रुकी है, जिसके कारण आप प्रैक्टिकल नेचर के रहने वाले हैं, ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट सपोर्टिव हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड है, जिसके कारण इमोशंस थोड़े से धीरे धीरे करके आपके बढ़ेंगे। हालांकि ये बैलेंसिंग नेचर को ही बताते हैं, लेकिन जब कभी भी आप दिल के द्वारा कुछ सोचेंगे या निर्णय लेंगे, तो आपको उसमें लॉसेज या परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो प्रैक्टिकल रहना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सारी प्रकार की रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत देती है, जिसके कारण कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियसली बातों को लेंगे, कभी बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगेंगे। बाकी हार्ट लाइन की रिगार्डिंग कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, बस डबल लाइन है, तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होते रहता है। माइंड लाइन की सेपरेटली बात करें, तो माइंड लाइन, लाइफ लाइन दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के चल रहा है। जब ये मर्ज होकर के चले या फिर आइलैंड के फॉर्मेशन जो तो 2 से 3 बन रहा है, इसके फॉर्मेशन के साथ चले, तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है। हेल्थ के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम होता है, मनी के अकॉर्डिंग, और स्टडीज़ में भी ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। अब ये लाइन जो दोनों इंडिपेंडेंट हुई है, ये अराउंड 24 के बाद में हो रही है, तो जो मेन करियर या ग्रोथ है आपको वो 26 के बाद है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी एक छोटा सा चेंजेस आया, फिर बाहर की ओर रेखा झुकने लग गई, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग या विदेश जाने के योग भी फिर आपके अच्छे हैं। और जहाँ तक करें माइंड लाइन की बात भी, तो माइंड लाइन से ये जो एक लक लाइन निकली हुई है, फिर दो निकल रही है, ये एज आप यहाँ काउंट करेंगे तो ये भी 26 और 28 के मिड में आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत बेस्ट योगाज है 26 के एज से, यानी आपका लक और एक प्रकार से मनी सपोर्ट हर चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके पहले मंगल की कुछ शाखाएं भी काट के गई हैं, तो एग्रेशन अपने टीन एज में आपको बहुत ज़्यादा रहा है। आगे चल के माइंड लाइन स्मूथ हुई है, और एक प्रकार से अंदरूनी मंगल से फिर माइंड लाइन स्टार्ट होते हुए आ रही है, तो थोड़ा दूसरों के बातों में जल्दी आना या इन्फ्लुएंस हो जाना या प्लानिंग ज़्यादा करना वैसे योग बनते हैं, बट
तकरीबन 36-37 अराउंड एज के बाद से माइंड लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है आपकी, और बायफोर किसने लिया है, ट्राइडेंट का भी फॉर्मेशन है जो कि इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और उस कारण से डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लगते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छे करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके ग्रोथ आपको अच्छा यहाँ देखने को भी मिलेगा। ओवरऑल यहाँ देखें माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना व सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे, लॉजिक लगा के यानी सोच विचार के जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, और पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद आप यहाँ रख पाएंगे। एक फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कुछ रेखाएं आपके बुध की तरफ जा रही है, कुछ ऐसा प्रोमिनेंट साइन यहाँ नहीं है, बट इस प्रकार की रेखा आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली रहेगी। और वैसे भी यहाँ देखें तो मरकरी लाइन भी आपकी निकल रही है जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप बिजनेस में आते हैं तो आपको कोई भी उसमें रोक नहीं सकता, बहुत बेहतरीन आपको इसमें लक का साथ भी देखने को मिलेगा। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना है, हालांकि ये सन लाइन के द्वारा बना है लेकिन तब भी अगर गवर्नमेंट जॉब की भी हम बात करें तो ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है। बस ये है कि अभी फिलहाल टाइम में सन के रेमेडीज़ के साथ साथ अपने जो स्टडीज है उस पर फोकस अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि माइंड लाइन अभी भी धुंधली चल रही है तो इस कारण से फोकस में कमी आता है और बातें थोड़ी जल्दी भूलने भी लगते हैं और कोई भी चीज़ लर्न करने में थोड़ा दिक्कत भी देखने को मिलता है। तो इस टाइम को जो है फोकस, और अगर आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में परिवर्तित करते हैं जैसे रेमेडीज़ के द्वारा, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा आपको लाभ यहाँ देखने को मिलेगा, मेंटेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात करें तो ये जो ज़्यादा स्ट्रेस आपके माइंड पर आएगा वो अराउंड 26 के बाद में ही आने वाला रहेगा, उसके पहले तक इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। लाइफ लाइन के फ्लो पर भी एक प्रकार से मल्टीपल्स आपकी मंगल की रेखाओं ने काटा हुआ है, मंगल की रेखा जब काटती है तो ये फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी के द्वारा मिलने वाले नुकसान और एग्रेशन से मिलने वाले दिक्कत को भी व्यक्त करता है। बट आगे चल कर के ये रेखा जैसे बाहर की ओर झुक रही है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस भी आपके तकरीबन बहुत अच्छे ब्राइट हैं। उसके बाद फिर राहु की रेखा यहाँ आके इन्फ्लुएंस कर रही है आपको अराउंड 38 से 40 के बीच में, 42 और 44-45 के एज में, ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा। और मनी लाइन पर भी राहु की रेखाओं ने हल्का सा और माइंड लाइन पर भी काटा हुआ है, तो इस कारण से तकरीबन 28, 33, 34 और 36 अराउंड एज में भी मनी के रिगार्डिंग लॉसेज या टेंशन देखने को मिल सकता है। तो इन सारे एजेस में किसी भी प्रकार का लोन लेना या नया काम करने से अपने आप को बचा करके आप रखें। बाकी यहाँ पर बात करें आपके मंगल के क्षेत्र की, तो ये डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में कोई ऐसी बेसिक कमी आपको नहीं रहने वाला है, और यहाँ से निकलने वाली कुछ ये हल्की रेखाएं आपको एग्रेसिव नेचर का ज़्यादा बनाएगी, और मांगलिक होने के योग भी रहते हैं, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी, इन सबसे बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर रखना है। अगर ये चीज़ें लाइफ में रही तो आपके रिलेशन भी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगेंगे और ओवरऑल लाइफ का जो ग्रोथ है वो भी रुका रहेगा, इसीलिए इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है तो इस कारण से मानसिक रूप से अच्छे बलवान आप रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, जो कि अच्छे लग्जरीज लाइफ व अच्छा रहन सहन और खान पान को व्यक्त करता है, तो जीवन में ऐसी बेसिक कोई कमी नहीं रहेगा, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा रहन सहन और घूमना फिरना, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, सब चीज़ शुक्र आपको देगा। और ये शुक्र जो है एक्टिव तब बेसिकली दो केसेस में होता है, एक तो अगर कुंडली में शुक्र की दशा आ गई तो सबसे पहला तो वो रूल है ही, और दूसरा रूल होता है आफ्टर मैरिज, तो उसके द्वारा भी ये बहुत अच्छे पॉजिटिव योगास को यहाँ इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज। और वैसे भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है आगे चल करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखाएँ सीधी खड़ी यहाँ शुभ मानी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ बाकी दुनिया या बाहरी लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, और लाइफ लाइन अंततः शुक्र की तरफ भी झुक गई है, तो इस कारण से फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट अच्छा देखने को मिलता है, तो फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और डिवाइडेड यहाँ हुई लाइफ लाइन आपको ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छा कराएगी लाइफ में, ट्रैवलिंग में किसी प्रकार की कोई मेजर इश्यूज नहीं आएगा, और यहाँ से निकलने वाली ये रेखा जो है ये बिजनेस लक लाइन है, जिसके कारण बिजनेस में किसी भी प्रकार का, जैसे आप बिजनेस करते हैं अपने इंटरेस्ट के द्वारा, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही करें, इंडिपेंडेंट किसी भी वे में वर्क करें या फिर जिस भी अगर प्रोफेशन में जा रहे हैं उसमें अगर हाई पोस्ट अथॉरिटी या आपके अंडर में काम करने वाले लोग ज़्यादा हुए तो भी आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। जो भी आर्ट है उसको ज़्यादा निखारें, क्योंकि आपके हाथ में आर्ट के द्वारा जो है एक प्रकार से उन्नति के योग बहुत ज़्यादा है। केतु माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, और चंद्र की बात करें तो चंद्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड यहाँ ठीक है, और यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से थोड़ा सा व्यक्ति को घुमाती फिराती ज़्यादा है, मतलब ट्रैवलिंग अच्छा कराती है। बाकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ
मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन आपका क्रिएट तो हो रहा है, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आएगा भी रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। और यहाँ का स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। इट मीन्स कि 35 के एज तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी आपके हो जाने के योग पूरे के पूरे हैं। लेफ्ट पाम में जहाँ तक हम बात करें तो लेफ्ट पाम में भी देखेंगे कि लाइफ लाइन से मर्ज हो गया है यहाँ पे आपका फेट लाइन, जिसके कारण आपके मेहनत से ही भाग्य चमकेगा। और बाहरी दुनिया, बाहरी लोग यानी दूसरों के सहयोग से और खुद के मेहनत से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका भाग्य चमकेगा और सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में आपको पूरा मिलेगा। इसमें दिक्कत यही है कि थोड़ा सा जो है यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन ज़्यादा देती है, अपने ही सगे फिर शत्रु भी यहाँ बन जाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना और अगेन सूर्य की रेमेडी करना है। बाकी माइंड लाइन आपका देखा जाए तो अच्छा शार्प है। बाय फोर खोना अच्छा माना जाता है, हर बात की जड़ तक फिर जाना आप यहाँ पसंद करेंगे। तो यहाँ फेट लाइन अच्छा है तो जीवन में ऐसा कोई बेसिक इशू या प्रॉब्लम आपको यानी मेजर इशूज़ नहीं रहेगा। ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 26 एज से सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और मैरिज के चांसेस भी अराउंड इसी एज के लमसम में 26 to 28 अच्छे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।